तरीके से यहाँ ब्लड में हॉर्मोन्स आ जाते हैं। अब ये हॉर्मोन जाएंगे टारगेट टिश्यू के पास, ओके, एंड टारगेट टिश्यू के पास होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड जैसा हार्मोन चाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में। इस वीडियो में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप ये इवेलुएट कर पाओ कि आपको कितना समझ में आया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम स्टडी करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ओके। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, ओके। नर्वस सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है एंड एंडोक्राइन सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नर्वस सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव या फिर सेंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में करता है, ओके, एंड इसका ट्रांसमिशन रैपिड होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव या फिर सेंड हॉर्मोन्स के हेल्प से करते हैं। इनका ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्लोअर होता है अगर आप नर्वस सिस्टम से कंपेयर करो, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ओके। सो हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ओके। ग्लैंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि गोपलेट सेल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, राइट। ग्लैंड्स को अगर आप डिवाइड करो तो आप दो डिविजन्स पाओगे, पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास डक्ट होता है, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड, मान लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को सिक्रीट कर रहा है, ओके, तो इस सिक्रीशन को सरफेस पर ले आने का काम कौन करेगा? डक्ट करेगा, ओके। डक्ट कुछ भी सिक्रीट नहीं कर रहे होते, वो जस्ट रास्ता देते हैं सिक्रीशन को सरफेस पर ले आने का। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, तो वो टारगेट टिश्यू के पास अपना सिक्रीशन कैसे लेके जाते हैं? देखो, मान लो ये कोई ग्लैंड है, ओके, एंड ये ग्लैंड के सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी हो रही होगी, राइट। तो ब्लड सप्लाई होगी तो यहाँ कैपिलरीज में वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये ब्लड सप्लाई से थोड़ा थोड़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता रहता है ना, एंड ये क्या लेके आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्सीजन लेके आता है, राइट, और क्या लेके आता है? ग्लूकोज लेके आता है। ग्लूकोज क्या है? न्यूट्रिशन है सेल के लिए, है ना। अब ये जो सेल्स हैं, ग्लैंड के सेल्स हैं, ये सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, है ना, एंड क्या रिलीज़ कर रहे हैं? हार्मोन बना रहे हैं, है ना, हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। नाउ ये जो कैपिलरीज हैं ये वापस से जॉइन हो जाती हैं, राइट, जॉइन होके वो वीनस ब्लड बना लेती, वीनस वीन्स बना लेती हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, है ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके जाएगा एंड जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी लेके जाएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ ब्लड में हॉर्मोन्स आ जाते हैं। अब ये हॉर्मोन जाएंगे टारगेट टिश्यू के पास, ओके, एंड टारगेट टिश्यू के पास होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हॉर्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड जैसा हॉर्मोन चाहता था वैसा एक्ट करेगा, ओके। तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंडोक्राइन? देखो, बहुत सारे ग्लैंड मिला के एक सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड मिला के एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, और वो जो सिक्रीशन है उसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स, ओके, एंड वो कहाँ रिलीज़ करता है? वीनस ब्लड में रिलीज़ करता है, ओके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें रिलीज़ करता है, एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट टिश्यू। फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिशन, ओके। सो क्या क्या डिफरेंसेस हमने पढ़े? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, राइट। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में या फिर लिम्फ में सिक्रीट नहीं करता, पुअर नहीं करता, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में या फिर लिम्फ में पुअर कर देते हैं। इनके पास डक्ट होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती, सो हम इनको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, राइट। ये जो सिक्रीशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो डायरेक्टली टारगेट टिश्यू पे पुअर हो जाता है, डायरेक्टली पुअर हो जाता है, ठीक है,
रास्ता दे देता है अटक एंड जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे वो चला जाता है अपने आप से। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में जो है वो टारगेट टिश्यू के पास कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रीशन है वो एंजाइमेटिक होता है, लुब्रिकेंट होता है या फिर एक्सक्रीटरी होता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें सिक्रीशन हार्मोन, जो सिक्रीशन है उसको हम हार्मोन कहते हैं। ओके, नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स थे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स है जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, राइट, पैराथायराइड एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं ये न्यूरॉन्स से रिलेटेड हैं। ओके, सो न्यूरॉन से रिलेटेड है। सो ये क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं उनको अगर मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और वो कहाँ पे रिलीज़ होता है, साइनैप्स पे, राइट। लेकिन अब जब हार्मोन की बात हो रही है तो वो जो सेल हैं या फिर ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो अपनी सिक्रीशन को कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ओके, तो अगर कोई न्यूरॉन है, ध्यान से सुनना, अगर कोई न्यूरॉन है वो अपनी सिक्रीशन को जो वो केमिकल रिलीज़ कर रहा है वो साइनाप्स पे ना करके अगर ब्लड में रिलीज़ करे तो क्या हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको भी हम हार्मोन ही कहेंगे। अगर न्यूरोट्रांसमीटर कहना है तो वो साइनाप्स पे ही रिलीज़ होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। सो कोई न्यूरॉन अगर अपना जो केमिकल है उसको ब्लड में रिलीज़ कर रहा है तो उसको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। एंड जो जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है उसको हम हार्मोन कहते हैं, या मोर प्रिसाइजली न्यूरो हार्मोन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हार्मोन्स पे। हार्मोन्स के एक अच्छी से डेफिनेशन दी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है हार्मोन। ओके, यानी कि वो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता। इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है, इंट्रा नहीं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है, यानी कि वो एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक जगह से इंसान दूसरी जगह पे जाता है ना, कुछ उसी तरीके से इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं हॉर्मोन्स। नाउ प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ओके, बहुत कम अमाउंट में होता है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। नाउ अगर कोई हॉर्मोन को किसी सेल पे एक्ट करना है तो वो तभी एक्ट करेगा अगर उस सेल के पास उस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ओके, अगर किसी सेल के पास उस हार्मोन का रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है तो वो हार्मोन काम नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, है ना। तभी तो वो ब्लड में भले ही फ्लो हो रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हर जगह जाके एक्ट कर रहा है। जैसे मान लो पिट्यूटरी से LH रिलीज़ होता है, राइट, तो वो LH जाके कहाँ पे काम करते हैं, गोनाड्स पे काम करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जाके पैनक्रियास पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास के सेल में उस LH हार्मोन का रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है। ओके, इसलिए वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, राइट। कौन कौन से हार्मोन हमें हार्मोन कह रही हूँ, ग्लैंड्स पढ़ने हैं हमें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरियन फीमेल, गोनाड्स पढ़ने हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली थायराइड एंड पैराथायराइड पे आएगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी पे। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी का लोकेशन देखो कहाँ पे है, ये रहा। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो देखो यहाँ पे ये स्फीनॉइड बोन है, राइट। तो स्फीनॉइड बोन का ये डिप्रेशन है छोटा सा, यानी कि गड्ढा है। इसी गड्ढे में लोकेटेड होता है हमारा पिट्यूटरी। ओके, एंड पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। ओके, नाउ कहाँ चला गया, हाँ
कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से. सो जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को हम कहते हैं सेला टर्सिका. कौन से बोन में होता है ये? स्फीनोइड बोन में होता है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ ये जो इंसान है, ये इंसान की आंखें इस तरफ थी, राइट, इस तरफ देख रहा है ये. नाउ आगे बढ़ते हैं. मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी इस तरफ दिखाया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस तरफ दिखाया है, तो हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग वो उल्टा हो जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम में जो इंसान है वो इस तरफ देख रहा है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. मान लो ये हाइपोथैलेमस है. ओके एंड हाइपोथैलेमस है तो ये नीचे पिट्यूटरी है, राइट. एंड पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को एक छोटी सी ट्यूब कनेक्ट करती है. इस ट्यूब को हम कहते हैं इन्फंडिबुलम. ओके अब हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं. ओके एंड जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी दो एनाटॉमिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है. क्या क्या है वो? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. देखो पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ओके तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं. ओके एडीनो हाइपोफाइसिस में दो फंक्शनल यूनिट्स हैं हमारे पास में, ठीक है. एक है पार्स डिस्टैलिस एंड दूसरा है पार्स इंटरमीडिया. ओके एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में भी एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स हैं, राइट. एंड ये न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. हमने हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि वो साइनास पे रिलीज़ नहीं हो रहा. ओके वो ब्लड में रिलीज़ हो रहा है. तो इन न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहेंगे, राइट. एंड जो रिलीज़ हो रहा है उसको हम हार्मोन कहेंगे, राइट. अब मज़े की बात देखो, ये जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में तो रिलीज़ हो गया, राइट. लेकिन यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहले हार्ट में जाता है, लेकिन हार्ट में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली जा रहा है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में. ओके अगर कोई ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली दूसरे ऑर्गन में चला जाए, हार्ट में ना जाके, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम. ओके हमारे बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे. पहला है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. अब ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, राइट. दूसरा पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा. देखो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एंड वो डायरेक्टली कहाँ चला गया? एंटीरियर पिट्यूटरी में चला गया, है ना. तो ये भी पोर्टल सिस्टम है. और ये जो वीन कनेक्ट कर रही है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफिसियल पोर्टल वीन. ओके नाउ ये जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, जो ये डॉट डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हार्मोन है. ओके तो ये जो हार्मोन यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं. पहला क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन. ओके एंड दूसरा क्या होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन. सो रिलीजिंग हार्मोन के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं एंड इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं, ठीक है. ये जाके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं. अगर वो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई ये वाला हार्मोन रिलीज़ करना है. और अगर इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ तो वो बोलेगा कि ये वाला हार्मोन इनहिबिट करना है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, ठीक है. ये जाएगा हमारे पिट्यूटरी के पास, राइट. पिट्यूटरी के पास जब जाएगा तो हमारा जो पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने लगेगा. ओके तो क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ है, समझ आया. अब देखो ये तो बात हो गई हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है. तो कुछ और ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं हमारे हमारे हाइपोथैलेमस में, वो ना ऐसा कोई पोर्टल वीन से कनेक्टेड नहीं होता है. ओके वो डायरेक्टली हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है. और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पेडल जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसा, राइट. ये पेडल ना एक्सॉन्स है उन न्यूरॉन के. अब यहाँ से हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन सिक्रीट हुआ. ओके हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन सिक्रीट हुआ तो वो जो सिक्रीशन है वो नीचे जाके ये जो एक्सॉन्स है उन एक्सॉन्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है. एंड जब हाइपोथैलेमस बोलता है
तो ये जो यहाँ पे स्टोर हुआ है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस ब्लड में रिलीज कर देता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है हमारा वो कुछ भी बना नहीं रहा है। ओके, बना तो रहा है हाइपोथैलेमस ही। ओके, बस वो रिलीज करने का काम करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमने क्या क्या पढ़ा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस है। ओके, वाई? क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो ये कनेक्ट कर रहा है नर्वस सिस्टम को एंड इंडोक्राइन सिस्टम को, राइट? एंड हाइपोथैलेमस जो है वो बेसल पार्ट होता है डाइसेंफेलॉन फोर ब्रेन का। ओके, ये बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस आप याद करके रख लो। नाउ, कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। देखो, बहुत सारे जब न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होंगे, बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं मान लो। ओके, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे न्यूक्लियाई। ये तो कोई शक्ल बन गई, छोड़ो कोई बात नहीं, न्यूक्लियाई कहेंगे उसको, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस कैसे कनेक्टेड होता है? पोर्टल वीन से। कौन सा पोर्टल वीन? हाइपोफेसियल पोर्टल वीन। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड होता है? एक्सॉन से। यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है? न्यूरो हार्मोन, दो ग्रुप ऑफ न्यूरो हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। पहला है रिलीजिंग हार्मोन एंड दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट? रिलीजिंग हार्मोन के अंदर बहुत सारे हार्मोन आते हैं, इनहिबिटिंग के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखो, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी। अब मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड को भी मास्टर कर रहा है हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑर्डर्स दे रहा है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपको। देखो, रिलीजिंग हार्मोन है मान लो। ओके, तो जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, अगर किसी हार्मोन में रिलीजिंग टर्म आ गया तो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ओके, अगर किसी हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग, छोड़ो, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ओके, तो इनहिबिटिंग अगर टर्म आ गया तो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग टर्म अगर आ गया तो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इतना सा याद रखना है। नाउ पिट्यूटरी पे आ जाते हैं। पिट्यूटरी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो लोकेशन, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेला टर्सिका में होता है। ओके, बोनी कैविटी ऑफ स्फीनॉइड बोन, ठीक है? इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम से अटैच होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू एडीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सो ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगेन एक बार और बता देती हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इंसान इस तरफ देख रहा है, ठीक है? आंखें बनाने की कोशिश की थी मैंने, चलो कोई बात नहीं। हाइपोथैलेमस ये है हमारा, ठीक है? ये हाइपोथैलेमस है एंड ये न्यूरॉन्स हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, या फिर कह लो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि पोर्टल सर्कुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी में है, राइट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है? सो हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं? देखो, हम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दोनों को एक ही साथ कवर करेंगे, ईजी हो जाएगा आपको याद करने में, ठीक है? सो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। देखो, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो ट्रोपिन अगर टर्म आ गया, ओके, ट्रोपिन अगर टर्म आ गया तो वो हाइपोथैलम एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओके, अगर ट्रोफिक टर्म आ गया तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गया होता है, या फिर अगर स्टिमुलेटिंग टर्म आ गया तो वो हाइपो अरे रे रे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है? अब याद रखते हैं, देखो ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। देखो, ट्रोपिन टर्म आ गया ना, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। अब इसको कैसे कैसे कमांड करेगा हाइपोथैलेमस? देखो, वो रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगेगा। अब ग्रोथ हार्मोन हमारे इन जनरल पूरे बॉडी में जाता है एंड फिजिकल ग्रोथ करता है, ठीक है?
अब ज़रूरत से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनने लगे, ओके। तो उससे हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। वैसे ही प्रोलैक्टिन है, तो प्रोलैक्टिन को हम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, PRL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब उसको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ओके, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज़ होता है। तो हाइपोथैलेमस से PRH रिलीज़ हुआ, वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीज़ करने लगेगा, ठीक है। एंड प्रोलैक्टिन जाएगा मैमरी ग्लैंड के पास। सो जब बेबी हो जाता है ना किसी मदर का, तो उस मदर में मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है, ठीक है। अब ज़रूरत से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, राइट। तो उसको इनहिबिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है एंड वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देता है। मज़े की बात ये है कि हमारे बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हार्मोन का भी काम करते हैं, ओके। उनमें से एक है हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो डोपामिन का भी काम करता है। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। एंड वो हार्मोन की तरह कैसे काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह, ओके। अब देखो हमारे बॉडी में है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो MRH रिलीज होगा, MRH क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। तो ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगेगा। अब इसका टारगेट ऑर्गेन है मेलानोसाइट, जो कि स्किन में होता है। मेलानोसाइट हमारे स्किन में ऐसे सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, ओके। मेलानिन क्या है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कलर मिलता है, कोई भी कलर, आई का कलर, बाल का कलर, स्किन का कलर, वो सारा मेलानिन की वजह से है, ओके। अब ज़रूरत से ज़्यादा ना हो इसलिए मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से एंड वो जाके MSH की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, ओके। तो इस तरीके से काम करते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। एंड इसको कौन रिलीज़ करवाता है, TRH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ओके। एंड ये TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास एंड थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, कोई जो हार्मोन उसको रिलीज़ करने हैं वो हार्मोन रिलीज़ होने लगेंगे, ओके। अब मान लो कोई एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, ठीक है, मान लो कोई हार्मोन रिलीज़ हुआ, अब वो हार्मोन जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगेगा तो वो खुद ही जाके TSH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। एंड वो खुद ही जाके TRH की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, यहाँ पे कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, ओके। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ओके। आगे बढ़ते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, ओके। गोनाडोट्रोपिन्स दो तरह के होते हैं, पहला LH एंड दूसरा है FSH, ओके। तो इसको कैसे रिलीज़ करवाता है हाइपोथैलेमस, अगेन वही चीज़ है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ होने लगेंगे एंड गोनाडोट्रोपिन जो है वो जाएंगे गोनाड के पास, ओके। तो गोनाड क्या क्या है, टेस्टिस है मेल में एंड ओवरी है फीमेल में, राइट। तो जब गोनाड में जो भी हार्मोन उनको रिलीज़ करने, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, तो वो हार्मोन जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगेगा, बॉडी को चाहिए होम्योस्टेसिस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन तो है नहीं, वो जो हार्मोन है ना वो हार्मोन खुद ही जाके इनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ओके। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, जैसे पहले हो रहा था थायराइड वाले में, राइट। वैसे ही है हमारा ACTH, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम कहते हैं कोर्टिकोट्रोपिन, ओके। ये जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक, राइट। तो वो जाके एड्रीनल कोर्टेक्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसको कौन हाइपोथैलेमस कैसे रिलीज करवाएगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ओके, एंड वो जाएगा ACTH के पास, ठीक है। ACTH रिलीज होगा ACTH के पास, कह रही हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होने लगेगा। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से जब ACTH रिलीज होगा, वो जाएगा हमारे एड्रीनल कोर्टेक्स के पास, ठीक है। एड्रीनल कोर्टेक्स के पास बहुत सारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल, ठीक है। तो कोर्टिसोल मेजर हार्मोन है,
जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो वो खुद ही जाके इन ACTH का एंड CRH का इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। सो इस तरीके से काम होता है। कौन कौन से हार्मोन है जिनके पास रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग दोनों है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ओके। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ओके। अब देखो कुछ हार्मोन है जिनके पास इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस पे आ जाते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये 25% पार्ट है पिट्यूटरी का, ठीक है। ये अपना सिक्रीशन नहीं करता, इट डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन ऑन इट्स ओन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो तीसरा पॉइंट है, इट रिसीव्स न्यूरो हार्मोन डायरेक्टली सिक्रीटेड फ्रॉम द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। देखो डायरेक्टली हो जाता है रिसीव, यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इट हैज़ द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन स्टोर द हाइपोथैलेमिक हार्मोन इन द वेसिकल्स प्रेजेंट इन। देखो जो न्यूरॉन है वो ही स्टोर करके रखते हैं अपने एक्सॉन्स में, ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कौन कौन से हार्मोन है, ऑक्सीटोक्सिन एंड दूसरा है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ओके। सो ऑक्सीटोक्सिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, राइट। अब देखो जब चाइल्ड बर्थ हो रही है तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोक्सिन करता है, एंड मैमरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन करके मिल्क का इजेक्शन करना भी ऑक्सीटोक्सिन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है तो आप बोलोगे ऑक्सीटोक्सिन है, ओके। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है तो आप बोलोगे प्रोलैक्टिन है, ठीक है। ऑक्सीटोक्सिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ में जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन है वो करता है, ठीक है, तो ऑक्सीटोक्सिन इज बर्थ हार्मोन, ओके। वासोप्रेसिन पे आ जाते हैं, वासोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ओके। ये कब कब काम करता है, जब होने को वैसे नॉर्मली भी ये काम करता रहता है लेकिन इसका काम बढ़ जाता है जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो हमारे बॉडी में पानी की कमी है, राइट। तो अगर यूरिन भी ज़्यादा बनने लगेगा तो हमारे बॉडी में जो पानी बचा हुआ है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को अपोज करता है, कैसे, वो जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन में है हमारा DCT, है ना, उस DCT में जाके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। तो कहाँ पे काम करता है, ये किडनी में काम करता है, ओके। डायूरेसिस, एंटी डायूरेटिक में यहाँ पे डायूरेसिस टर्म आ रहा है, डायूरेसिस का मतलब और कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। अब देखो जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वासोप्रेसिन यानी कि वेसल को प्रेस करता है, ओके। अब टी, अल्कोहल एंड कैफीन को हम डायूरेटिक्स कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। डायूरेटिक्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी इंसान टी, अल्कोहल एंड कैफीन का ज़्यादा कंजम्पशन करने लगता है उसके बॉडी में ना फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स, ओके। सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हैं, देखो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ एक ही हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन प्राइमरीली रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ यूरोक्रोम, चेंज इन pH फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन रेंज। देखो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। तो अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, राइट। तो अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमैटोस्टेटिन। इट इज
secreted from anterior pituitary. It inhibits the release of growth hormone. It is secreted from posterior pituitary. It stimulates some STH secretion. Okay. जहाँ पे आपको स्ट्रेटन टर्म दिख जाए, आपको ये याद रखना है कि ये कुछ ना कुछ इनहिबिट करता होगा. ओके, सोमैटोस्टेटिन किसका नाम है, दूसरा नाम इसका क्या है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट. तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीज नहीं होता, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, राइट. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस. It stores and releases hormones secreted by hypothalamus. It secretes its own hormone. It is poorly developed and functionless in human. It stores the hormone produced by adenohypophysis. देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, स्टोर करता है, रिलीज करता है. किसको? जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है. ये अपने हार्मोन नहीं बनाता है ना ही ये पुअरली डेवलप्ड होता है, और ये एडीनो हाइपोफाइसिस से बने हुए हार्मोन को स्टोर नहीं करता, राइट. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं. इन हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टिव मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम टारगेट ऑर्गन, द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर हायर कंसेंट्रेशन, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन द ऑपोजिट वे. देखो, हार्मोन तभी एक्ट करता है जब सेल के पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है, राइट. तो अगर आप रिसेप्टर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे तो वो टारगेट ऑर्गेन पे वो हार्मोन काम ही नहीं करेगा, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.